ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए हैं पहले, ठीक है। तो दोस्तों कितनी प्यारी लाइटिंग हो रखी है, कितनी प्यारी डेकोरेशन है। फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, जेड पे भाई हमारा भाई अच्छा है। फॉलो करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और क्या कहें, सब्सक्राइब करो, भाई को कमेंट करो, भाई को लोग करो, बहुत मिलो भाई। एक मिनट आ सकते हो? हां हां बिल्कुल। तो भाई यहां पे आता है कि एक भाई और मिल चुके हैं। देखो भाई ये व्लॉग बना रहे हैं अपना। सो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त जतिन कुमार, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दशहरा, तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं हूँ रज़ापुर गांव में और यहाँ लग रहा है शनि बाज़ार। टाइम मैं बताऊँ तो बज रहे हैं 7:50 रात के और हम जा रहे हैं मेला देखने जो कि कवि नगर में लगता है। तो यहाँ से तकरीबन अगर हम पैदल जाते तो 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है, बट आप जानते हैं अगर मेरे पास बाइक है तो कोई सेंस नहीं बनता मेरा पैदल जाने का। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि हम बाइक पे जाएंगे और मेरे साथ मेरी कज़न्स हैं, एक मेरा भाई है और एक बहन है और एक हमारी भांजी छोटी सी। अभी आपको जब रुकेंगे तो वहाँ मिलवाऊँगा सभी से। बाकी मामी और एक कज़न सिस्टर वो पैदल आएंगी। तो दोस्तों फाइनली मेले तक पहुंच चुके हैं। एक्चुअली मैंने बाइक जैसे तैसे करके खड़ी कर दी है। बाकी ये है एंट्रेंस, इसका जो एंट्रेंस है वो चारों तरफ से है और रश बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। और ये है मेरे कज़न्स दोनों, ये है चीना और ये है अंशु और ये हमारी भांजी। बस मामी का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पर खड़े होकर, मामी आ रही है अभी। और एक बैड न्यूज़ बताने वाला हूँ, वो है कि रावण में आग लग चुकी है, रावण फूट चुका है, जो कि बहुत गंदा सीन हुआ मेरे साथ। मेरा बहुत मन था, एक्चुअली मैं बचपन से ना यहीं का रावण देखता हूँ और इस बार का स्किप हो चुका है और बहुत ज़्यादा जल्दी 7:59 मतलब 1 मिनट रह गया था 8 बजने में। और बाहर जब मैं बाइक पर था पार्किंग, मतलब जब मैं बाइक लगा रहा था तभी फूट चुका था रावण, आवाज़ आ गई थी। तो फिलहाल अभी हम आए स्लाइस ऑफ हैप्पीनेस पे, समझ गया। तो यहाँ पे आपको हर तरह के पिज़्ज़ा खाने को मिल जाएंगे और बाकी मैं इनका जो प्राइस है वो मेंशन कर दूँगा, ये देख सकते हैं। अच्छा आपका जो स्टॉल है वो कहाँ लगता है? यही लगता है कवि नगर सी ब्लॉक। तो ये आपकी शॉप है, यही स्टॉल है? ये स्टॉल है, कवि नगर सी ब्लॉक में शॉप लेंगे अभी। तो दोस्तों जैसा कि भैया बता रहे हैं ये एक स्टॉल है, बाकी कवि नगर सी ब्लॉक में इनका शॉप भी है। तो अगर आपको पिज़्ज़ा खाने हैं, पिज़्ज़ा की अगर आप शौकीन हैं, तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है पिज़्ज़ा की और बर्गर भी है। और क्या क्या है आपके पास, और क्या क्या वैरायटी है? मेरे पास है वो है चोकोलावा, ब्राउनी और सभी तरह का पिज़्ज़ा मिल जाएंगे, चीज़ सैंडविच वगैरह, बर्गर, चीज़ बर्गर। तो जैसा कि भैया ने सब बता ही दिया, गार्लिक ब्रेड भी मिल जाएगा। भैया अभी हमारे लिए पानी लेने गए हैं, बाकी बर्गर की भी कह रहे थे बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं खाना खा कर आया हूँ, भूख बिल्कुल भी नहीं है। मैडम शॉप की टाइमिंग क्या है आपकी? शॉप की टाइमिंग होगी सर हमारी 4 PM से लेकर 4 PM से लेके और नाइट थी नहीं थ्री 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 ऑफ रहता सही है। तो जैसा कि टाइमिंग मैडम ने कंफर्म कर दिया, बाकी अभी कोई ऑफ भी नहीं है। और कम से कम 1.5 घंटा हमने बाहर वेट किया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मामी हमें नहीं मिली हैं, मेरे को लग रहा है वो शायद मेला देख के चली गई हैं, भीड़ देख के वापस हो गई होगी, तो कुछ पता नहीं है। बाकी मेला यहाँ से देख सकते हो। और हम आया बैक वाले जो इसका रास्ता है ना, एंट्री जो पीछे वाली जो एंट्री है वहाँ से आए हैं, तो इसलिए यहीं से आप देखिए अभी। और रश देख सकते हैं इस वक्त भी कितने ज़्यादा, बिल्कुल भाई ये देखो, ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए हैं,
बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो मेरा उस चैनल का नाम है बैक पैकर, बी ए जी पी ए सी के ई आर, बैक पैकर, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि देख लिया भाई लोगों ने, मेरे साथ सेल्फी भी ले ली है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सेलिब्रिटी वाली पूरी पूरी फीलिंग आती है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। तो रावण जहाँ जला था पहले वो देख कर आते हैं। दोस्तों रावण तो देखिए दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वो जल चुका है, वो ठीक 8 बजे जल गया था, बट जहाँ जला है वहाँ चलते सबसे पहले आ जाओ। और ये रे मेरे कजन्स, ये आयुष, ए देख इधर देख, हो रहा आ जाओ। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना मेरे को, ये लगता है देख रहे हो, ये सारा खाने का स्टॉल है और कितनी प्यारी लाइटिंग हो रखी है, कितनी प्यारी डेकोरेशन है यहाँ की। अग्रवाल कैटर्स, क्या बेहतरीन सजा रखा है यहाँ पे खाने का, ऐसा लग रहा है किसी की शादी में आया, बट ये सच में शादी नहीं है, ये यहाँ का रामलीला मैदान है कभी नगर का। यहाँ हो रही थी रामलीला, बाकी जो रावण जल रहा था, जो रावण जला है वो है यहाँ पर। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको जलता हुआ रावण नहीं दिखा पाया, बट आप यहाँ से देख सकते हैं, बस इतना ही देखिए भाई। बैक पैकर हाँ भाई ले लो। तो ये देखिए भाई को फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, जेट पे, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल भाई, थैंक यू, ठीक है भाई। ओ भाई इंस्टाग्राम पे हमारी भी लो, हमारी फॉलो करो भाई, हमारा भाई अच्छा है, फॉलो करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्या कहें, मेरा फॉलो कर दो, शेयर कमेंट भाई, चैनल का बता दो भाई, बैक पैकर भाई, ओ भाई इंस्टाग्राम वाली और रील वाली, परंपरा वाली जो चल रही है, कौन सी वाली, वो मतलब भूसा जो लग जा, हाँ मेरे को भेज देना, भेज दूंगा। बोल रावण दादा की जय, रावण दादा की जय भैया, हमारे इंस्टा फॉलो कर लिए सोनू है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, सब्सक्राइब करो, भाई को कमेंट करो, बिल्कुल थैंक यू भाई, फुल कर गए भाई। तो भाइयों देख सको कितना प्यार मिल रहा है यहाँ पे अभी, राम जी की जय। हाँ बट मैं रावण जलता हुआ नहीं देख पाया, इसका दुख है बहुत, मैं दिल्ली से आया हूँ यार, दिल्ली से आया हूँ मैं, 8 बजे चला दिया, चलो थैंक यू। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ से कुछ ही परचेज़ करना तो यहाँ पे कर सकते हो, और अभी यहाँ पर ये मेला जो है तकरीबन कुछ दिन तक अभी और लगेगा, शायद हफ्ता भर और लगेगा। मैं यहाँ पे एक्चुअली ना इसलिए भी आता हूँ क्योंकि यहाँ का जो मेला है ना सच में लाजवाब लगता है मेरे को, एक नंबर, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। अच्छा चश्मा ले रही है क्या, इसके लिए तोड़ देगी, दिखाइए जरा, हीरोइन लग रही है। जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ पर इस मेले में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर आइएगा दशहरे के टाइम पे, सच में बहुत कुछ मिलता है, बहुत वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। भाई इसका क्या प्राइस है, ये 1,500 रुपये का भाई, 1,500 का। तो ये जो मटेरियल कौन सा, ये लकड़ी का बुरा था, केमिकल मिक्स करके जिसे रेजन वुडन कहते हैं। चलिए आपको मैं फाउंटेन दिखाता हूँ, यहाँ पर हर साल यहाँ नया फाउंटेन लगता है, इस बार लगाया श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र, दर्शन चक्र। किस नाम से चैनल है, बैक पैकर, बैक पैकर चैनल है आपका, बैक पैकर, ये भी लोग हमारा ब्लॉगर है, छोटे ब्लॉगर है लेकिन, अरे बिल्कुल भाई कोई नहीं, हम भी छोटे ही हैं, हम भी छोटे ही भाई हैं, भाई एक मिनट आ सकते हो, हां हां बिल्कुल। तो भाई यहाँ पे आता है कि एक भाई और मिल चुके हैं, देखो भाई ये भी लोग बना रहे हैं अपना, देखो भाई चैनल का नाम बता दो भाई अपना, बैक पैकर, बैक पैकर इनके चैनल का नाम है, लाइक करें सब्सक्राइब करें भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल सपोर्ट देना और बहुत प्यार देना और भाइयों को भी, ठीक है भाई।
यहाँ पर इस वक्त टिकट जो है पूछने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ है 150 रुपये। ऑलमोस्ट सभी झूलों की शायद 150 रुपये ही है यहाँ पे टिकट। लो आ जाओगे यार, बिल्कुल भाई। रामलीला मैदान होकर आ गए हैं, दशहरा कंप्लीट हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो जिसकी वजह से मैं आपको रावण फूटता हुआ नहीं दिखा पाया, लेकिन हाँ मैंने आपको जलता हुआ थोड़ा सा तो दिखाई दिया है। बट आई एम रियली सॉरी, तहे दिल से सॉरी। मेरा बहुत मन था कि आप सभी को मैं यहाँ का रावण फूटता हुआ दिखा पाऊँ जैसे कि लास्ट ईयर दिखाया था, लेकिन हाँ यहाँ पे सच में मेले में बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी और काफ़ी इन्जॉय भी किया हम सब ने। मज़ा तो सच में बहुत आया और सबसे ज़्यादा स्पेशल फील मुझे तब हुआ जब मुझे वहाँ पे कुछ बंदे मिले, सब्सक्राइबर्स मिले, और उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो भी क्लिक की। सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हुआ तब, और कुछ बंदे मतलब जेन्युइन थे और कुछ बाद में भी मिले जो कि थोड़े फुकरे टाइप के, छपरी टाइप के थे, जो कि हर जगह होते ही है, तो माइंड नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। बट हाँ मज़ा बहुत आया, तो अगेन आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब इस व्लॉग को बस ख़त्म करते हैं यहीं पर ही, फिर मिलेंगे एक नई जर्नी में, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।